आज मैं लेके आई हूँ आलू बैंगन की सब्जी बनाने का बिल्कुल अनोखा तरीका। ये तरीका आपने ना ही कभी देखा होगा, ना ही इस तरीके से आपने कभी सब्जी बनाई होगी। और जब इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे तो लोग उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के बैंगन लिए और 2 आलू लिए हैं। बैंगन को हम इस तरह से बीच से कट लगा लेंगे, देख लेंगे इसमें सड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बैंगन के अंदर सड़ा हुआ रहता है। वो ऊपर से ठीक दिखता है बट अंदर सड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमारा जो तीनों बैंगन है बिल्कुल अच्छा है। और जो हमने आलू लिए हैं इसे हम इस तरह से छील लेंगे। आप इसे छिलका के सहित भी बना सकते हैं सब्जी को, इससे भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बट मैं यहाँ पर इसे छील लूँगी। इस तरह से दोनों आलू को हम छील लेते हैं और यहाँ पे हम आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक आलू का इस तरह से 4 टुकड़ा कर रही हूँ। आप इसे छोटे साइज़ भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने तेल रखा है गर्म होने के लिए और आलूओं को हम इसमें डाल के बहुत ही अच्छे से आलूओं को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब तक इसका बिल्कुल कलर सुनहरा सा ना हो जाए तब तक आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू बहुत ही अच्छे से देखिए फ्राई हो गया, बिल्कुल गोल्डन सा दिख रहा है। इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। बैंगन को भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे लहसुन की कली इसमें डाल देंगे। लगभग 7 से 8 लहसुन की कली मैंने डाला है। और लहसुन को भी बिल्कुल सुनहरा होने तक हम बैंगन के साथ ही भून लेंगे, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे बैंगन भी फ्राई हो गया और लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं दोनों को। इधर हम फिर से गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम लगभग 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा को हम चटकने देंगे। जीरा को हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किया है। बारीक चॉप ही करें आप ताकि इसकी जो ग्रेवी बने वो अच्छी बने। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं प्याज को, उससे भी ग्रेवी इसकी अच्छी बनेगी। प्याज जब तक हमारा भून रहा मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला में मैं ले रही हूँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर, हरी मिर्च ले रही हूँ 1 या 2 आप ले सकते हैं, और जो हमने लहसुन को भून के रखा है उसे डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल स्मूथ साइज़ का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इस तरह का हमने मसाला तैयार कर लिया सब्जी के लिए। और हमारा जो प्याज है वो भी यहाँ पर अच्छे से भून चुका है देखिए। तो अब हम इसमें मसालों को ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे जार में थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को अच्छे से जार से निकाल के डाल देंगे। और अब हम मसालों को प्याज के साथ भूनेंगे। जब तक कि मसालों से पानी बिल्कुल सूख ना जाए, बिल्कुल ये ड्राई ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पे इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और लगातार चलाते हुए मसालों को भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे तेल आपको दिख रहा होगा मसालों के ऊपर में। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को फिर से भूनेंगे ताकि ये जो सूखे मसाले हैं वो जले नहीं, इसलिए हमने इसमें पानी डाला है। और 2 से 3 बार हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मसालों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। इसे अच्छे से मसालों से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 गिलास के करीब, क्योंकि आलू अभी कच्चा है, वो अच्छे से पका नहीं है, बस इसके ऊपर कलर आया हुआ है। तो इसे हम लो फ्लेम पर कवर करके 2 से 4 मिनट पकने देंगे। लगभग 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और यहाँ पे देखिए तेल आ गया है मसालों के ऊपर। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक कर लेंगे आलू पका है या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये लगभग पक चुका है बट थोड़ा सा भी कच्चा है। तो अब हम इसमें बैंगन को भी डाल देंगे, फ्राई किए हुए बैंगन को, और इसे हमें अभी 4 से 5 मिनट और पकाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने नमक पहले नहीं डाला था। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं, और 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने जितना ग्रेवी रखा वो परफेक्ट है। कवर करके 5 से 6 मिनट पकने के बाद कवर हटा लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए,
बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई हमारे आलू बैंगन की। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इस सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म चावल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। एक बार चेक कर लेंगे हमारा आलू यहाँ पे पका है या नहीं। तो आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म आलू और बैंगन की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।